आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज भाजपा के नूरपुर से प्रत्याशी राकेश पठानिया के पक्ष में एक रैली की। रैली के दौरान सदमा में राकेश पठानिया के साथ पार्टी उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज, महामंत्री रणवीर सिंह निक्का सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भरपूर स्वागत किया। रैली में बोलते हुए जेपी नड्डा ने वीरभद्र सिंह को एक कोर्ट कचहरी में जाने वाला मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने बताया कि जहां प्रेम कुमार धूमल को सड़कों वाला मुख्यमंत्री व शांता कुमार को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोर्ट कचहरी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने हिमाचल को विशेष पैकेज दिया है। पेश है इस संबंधी हमारे नूरपुर से संवाददाता सचिन कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। आज जब हमने एमसीएस लिया, अभी हमने आपसे डायलिसिस सेंटर लिया, लड़ाई आप आगे बढ़िए, नूरपुर को आप जनरल हॉस्पिटल भी देंगे, जिला भी देंगे। हम आपको नड्डा जी हमें विश्वास के साथ भेजना चाहते हैं, पूरी टीम एक साथ काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं नड्डा जी, जिला कांगड़ा में सबसे भारी मतों से कोई कार्यकर्ता जीतेंगे तो ये कार्यकर्ता जीतेंगे जो आपके सामने बैठे थे। आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो 14 साल के बाद कमल का फूल लगाया शादी साहब, इसकी लाज रख लेना। मुख्यमंत्री कौन कह रहा था? आज सड़कों की जाल बिछाने वाला मुख्यमंत्री कौन कह रहा था? और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वाला मुख्यमंत्री कौन कह रहा था? मैंने तो एक ही नाम लिया है, विकास के हर पत्थर यहां पर रखा गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा। जब अटल जी आए तो उन्होंने हिमाचल को इकोनॉमिक पैकेज दिया कि नहीं दिया? जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने हिमाचल को स्पेशल स्टेटस दिया, सारे देश प्रदेशियों को विकास के लिए अगर केंद्र 60 पैसे देता है, 60 रुपए देता है, 60% देता है तो 40 प्रदेश को देना पड़ता है, लेकिन हिमाचल को 90 रुपए केंद्र देता है तो 10 रुपए हिमाचल लगाता है।